एक पर्सनल सवाल पूछूं? पूछो जी। गर्लफ्रेंड कितने हैं आपके? मतलब दिखते तो अच्छे हो। एक भी नहीं जी, दरअसल मैं थोड़े से साई टाइप का हूँ ना, इसीलिए। और काम के अलावा दिमाग में और कुछ आता भी नहीं। ना गर्ल्स में तो इंटरेस्ट है ना आपका? ऑफ कोर्स जी, तुम तो सातवीं क्लास में गर्लफ्रेंड थी मेरी, वन साइडेड लव था जी। वन साइडेड रहे तो सही है, वरना हड्डियां तोड़ देती हूँ मैं लड़कों की। सही है जी, लड़कियों को ना ऐसा होना भी चाहिए। एक काम करेंगे, शादी के बाद ना 5 लीटर दूध आपके लिए एक्स्ट्रा लगवा देंगे। वो क्या है ना जी, दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, फिर करती रहे ना सेल्फ डिफेंस। तुमने शादी की प्लानिंग भी कर ली? मैंने तो अभी तक हाँ भी ना करी। वो क्या है ना जी, मैं सुशीला जी, मेरे अंदर ना एक ही अच्छी क्वालिटी है, अगर कोई काम करने की ठान लू ना तो बिना करे मानता नहीं हूँ। तो आप स्ट्रेस ना लो, मैं आपको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के मेरी शादी भी करा दियो। सॉरी, जोकिंग। सुशीला, ये करीमा किस छोरे से बात कर रही है? जो इन्होंने देख लिया तो सुशीला भी? अरे पापा जी सामने बैठे हैं और तू किस लफंडर के साथ घूम रही है? अरे मम्मी, रे सुशीला, तू तो छोरों की टांगे तोड़ती फिरती है, फिर इस छोरे के साथ हा हा ही कर रही है। अरे मम्मी, ये लोग वो लोग सरपंच? अरे ये वो, देख तेरे पापा जी आ रहे हैं। जाओ फिर से निकल, जाओ निकल, भाग भाग। अरे अरे मम्मी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कितनी बार बोला एक जगह शांति से बैठना है और शरबत पीते रहना। हाँ, शरबत खड़ा बढ़िया बना था तो शरबत ही शरबत पी रही थी, तो बार बार ना बाथरूम जाना पड़ रहा है हमारे को। क्या कर रही है? वो बाथरूम। अरे क्या हो गया दाढ़ी, क्या आंटी जी तो पहचानी ना रही है? और लफंडर भी कह रही है। लफंडर भी कह रही है जी, इन्हें भूलने की बीमारी है, इसलिए कुछ कह दिया होगा तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ना ना, माफी की क्या बात है, भाभी जी ने सही पहचाना है, मारे ही छोरे लफंडर होंगे पर दिल के साफ है। जी चलिए कुसुम जी। वाह धर्मपाल जी वाह, शादी के इतने साल बाद भी आपके जज्बात एकदम जिंदा है। भाभी के लिए कैरिंग हस्बैंड है, बेटियों के लिए कैरिंग फादर है, और भाई साहब के लिए कैरिंग ब्रदर। भाई धर्मपाल जी, मैं आपसे बड़ा इंप्रेस हूं। आइए 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 धर्मपाल जी आइए। अरे शिशु, चिकोटी काटी जरा। क्यों भाई साहब? अरे ऐसे लड़के वाले पहले कभी ना देखे, ट्रेन में तो डंकी ना है। नहीं, असली का परिवार है या टीवी से निकल कर आया है? बड़े त्यागी टाइप के लोग लग रहे हैं। इधर उधर की बात बंद कर, पॉइंट पे आ, रिश्ते की बात कर। हाँ जी। गोभी के डंठल की सब्जी बहुत स्वाद बनती है जी इन दिस रिजोर्ट। अच्छा, इधर उधर की बात बहुत हो गई, पॉइंट पर आ, रिश्ते की बात कर। मन तो पहले से यो एक परिवार लाग रिया है, कितने प्यारे लग रहे हैं सब साथ साथ। वो कौन सी फिल्म थी डैडी? हम साथ साथ हैं। बस सारे, फिल्म तो मैं बनाऊंगा तेरी। जितना कही है उतना कर, डेट फिक्स कर। हमें रिश्ता मंजूर है जी। आपको हमारी छोरियों से बात बात ना करनी, ना कुछ पूछ लेते, तसल्ली कर लेते। ना तसल्ली की कोई जरूरत ही नहीं है जी, अरे हीरा है हीरा छोरियां, और इसका तो नाम ही सुशीला है। सुशीला नहीं अंकल जी, सुशीला, सुशीला। हाँ मैंने वही कही डैडी, सुशीला, सुशीला। अरे नाम में क्या रखा है भाई, गुण होने चाहिए, और गुण भर भर के है इनमें। जो मैं 20 साल में ना जान पाया आपने 20 मिनट में पहचान लिया। एक सेकंड लगे जी मन्ने। डैडी जी इज ग्रेट। आपको मारे छोरों को कुछ पूछना है, कुछ तसल्ली करनी है, अब कर लो। वैसे मारा परिवार तो खुली किताब है। हाँ बेटा, शिशु तू पूछ। मैं भाई साहब, मैं अरे पूछ ना।
मेरे मन में तो वो वही वाला सवाल आ रहा है। अरे तेरे दिमाग में जो आ रहा है पूछ। ठीक है भाई साहब। एक्सक्यूज मी बेटे, एक बात बताओ, अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ एक नाव में सवार हो और उस नाव में छेद हो जाए और नाव डूबने लगे, तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप को बचाओगे या अपनी वाइफ्स को? बोलो। ये तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिया मास्टर जी ने। इसका क्या जवाब देना है? अब क्या बोलना है? नहीं नहीं, आपको कुछ ना बोलना है, इन्हें बोलना है। हाँ, माँ बाप को बचाना चाहिए, पैदा किया उन्होंने, कर्ज होता है उनका। ना ना ना, वो तो बुड्ढे हो गए यार, उनकी समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। बीवियों को बचाना चाहिए, अपने आप को बचाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बीवियों बचाओ, बीवियों को बचाएंगे, बीवियों को जी, बीवियों को। तो बेटा माँ बाप को छोड़ दिया आपने, पर आपकी बेटियों को तो बचा लिया ना पापा जी। तो धर्मपाड़ जी, हम यो रिश्ता पक्का समझे? मैं ये सोचा भाई साहब, न कोई डिमांड रखी, न घर परिवार वालों के बारे में पूछा, तुझे क्या लगता है? दहेज तो लेंगे नहीं शायद, प्रगतिशील परिवार लग रहा है, और हमारे परिवार में भी कोई खोट तो है नहीं, पता लगवा लिया होगा शायद। आप हाँ कर दो, भोले लोग लग रहे हैं, और हम भी कोई कसर तो छोड़ देंगे नहीं। तेरी बात तो मैं दो बार तो शायद आ गया, फिर भी तेरी बात ठीक लग रही मने। ईश्वर को जब करना होता है ना, तो ऐसे ही करता है। तो धर्मपाल जी, हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे के सोच में पड़ गए? अरे इतनी शांति क्यों होगी भाई? हैं? अरे कुछ खाना तो बोल। जी हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ जी मुबारक हो। ये बात खटाना छोड़ो। मजा आ गया। अरे रे रे तरुण, रुक तो सही यार, घड़ी जल्दी हो रखी तेरे को। है एक बात बताइयो, तू और शायद है, अबे किस एंगल से भाई है? तो क्या कहता, दो छोरियां पटा रखी है मैंने, तीसरी ही फिराक में हूँ भाई। आई वाली तो कतई पहलवान है, डम्बल चम्बल उठाने पड़ेंगे जिंदगी में। वैसे धर्मपाल की धर्म पत्नी दीपावली सिंह लगती तेरे। अरे छोड़ो ना, मामला फिट हो गया और क्या। चल सुन 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 सुन, वैसे यार तुझे बुड्ढे को देख के लगता है ये बुड्ढा दहेज में अपनी दुकान दे देगा? भाई नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? जो दुकान दहेज में दे दी तो खाएगा क्या? भाई दुकान का तो मैंने पता नहीं, लेकिन वो लंगूर साला ना उछल के दहेज में जरूर आने वाला है। छोटे बच्चन से जो मिलना है उसको, तेरे आगे पीछे उछल रहा था तू ऐसे। भाई पसंद करता है तू ये? जो 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 जी कहकर तेरे आगे पीछे उछल रहा है, पसंद मुझे करता है। वैसे भाई देख, जो बूढ़े ने दहेज में दुकान दे दी ना, तो भाई मैंने तो बन जाना उसका जीजा, सीधी सी बात है। और मैंने भी बन जाना है उसका जीजा। चल अच्छा तो मैं लंगूर हूँ? हाँ अब लटकाता हूँ पेड़ पे उल्टा। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी निकल लो वहां से। जी जी चलिए जी, अब तो मिलना मिलाना होते रहेगा। और बेटा आप लोग भी घर आओ कभी, अभी तो आप ही क्या कर रहे हो? Thank you.
अरे सारी कथा में गौ बन के बैठी रही, अब प्रसाद बढ़ते वक्त उछल कूद कर रही है। सॉरी सॉरी बाबा। गरिमा एक क्या है, थोड़ी देर रुक नहीं सकती? अरे इम्पोर्टेंट है यार, के कर रही है, मेरे इम्प्रेशन खराब हो जाएगा, समझ? अरे अपना ही डाले जा रही है, उनका भी तो चेक कर ले। पापा क्या कर रही है सुशीला तू? ये देख क्या है, बुड्ढे को देख के लगता है ये बुड्ढा दहेज में अपनी दुकान दे देगा, कोई नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? मैं क्या कह रही हूँ, कर ही लेते हैं शादी, लड़की तो हॉट है, और ज्यादा ज्यादा क्या होगा, पापा की दुकान ही तो चली जाएगी, और वैसे भी उनके बाद देखने वाला तो कोई है नहीं। तू जले पे नमक मत छिड़क, हट। अच्छा चल, ये अपना झगड़ा तो बाद में निपट लेंगे, अभी इनकी खटिया खड़ी कर दे। वैसे भी ना मेरे हाथ में बड़ी खुजली आ रही है, अब तेरा मजा मेरी सजा होने वाली है। अच्छा तो धर्मपाल जी चला जाए, के खुसर पुसर चल रही है, जा रहे ये लोग, आओ नमस्ते करो। चल लेट्स हैव फन। रे छोरियां कड़क दिलों में धड़क, रे छोरियां कड़क है दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसे भी सड़क, रे छोरियां कड़क है दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसे भी सड़क। ओ हट जाना अंकल जी, अब हमसे तो मिल लिए लेकिन हमारे छोटे भाई से ना मिले अभी। Myself, मुत्तो। अरे ना इससे तो मिल चुके हैं हम, पर इसका टैलेंट ना देखे ना, किटकॉट पे बड़ा फेमस है ही हो, 151 फॉलोअर्स इसके एंड काउंटिंग। के चल रही हो? पापा जी ये तो आप ही बताइए, यो वीडियो देख के बुड्ढे को देख के लगता है ये बुड्ढा दहेज में अपनी दुकान दे देगा, जो बुड्ढे ने दहेज में दुकान दे दी ना, तो भाई मैंने तो बन जाना उसका जीजा, सीधी सी बात है, और मैंने भी बन जाना उसका जीजा। चल भाई, मैं यो कह रहा था कि वो ग्राउंड फ्लोर की चार दुकानें जो है वो कैंसिल कर दो जी। अरे के बात कर रहा बावड़े, अरे तने तो वो कर दिखाया जो जगत सेठ इतने सालों तक ना कर सका। अरे तने तो धर्मपाल की दुकान पर दुमाल धर दिया। अरे हरियाणा रोड का तो असूल है भाई, जिसका रुमाल उसकी दुकान। अरे धर्मपाल की दुकान ही तो मारी हुई, बात अब तक तेरे मेरे बीच में थी जगत, लेकिन आज तूने लक्ष्मण रेखा को पार करके मेरे परिवार मेरी बेटियों पर नजर डाल ली। जी तो करे यार, अपने उस तरह से तेरी दिद्दे काट लूं, लेकिन आज मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, अब की बार तूने दो छोरियों के इस बाप को छेड़ा तो याद रखना, तेरा गला होगा और मेरा उस तरह।
हाँ भाई जगत के भगत, एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछूं तुमसे। हाँ जी। ये सैलून चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी हो है? जी सबसे जरूरी जी कैची ना जी उस तरह भाई हाथ सबसे जरूरी हो गए हैं हाथ अकल के दुश्मनों और मन्ने धर्मपाल के हाथ चाहिए When bad happen, good is good is रास्ते में ही आ रहा है क्योंकि हर बुरी चीज के पीछे अच्छी चीज आ रही होती है उस दिन ताऊ जी ने जमीन पे पटक के मेरा फोन तोड़ दिया मैं बड़ा उदास था हाँ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं पर मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ी क्योंकि ताऊ जी को खुद ही एहसास हो गया कि उन्होंने बालक के साथ में कितना अत्याचार किया है और अपनी गलती को ठीक करने के लिए ढंटनान नया फोन गिफ्ट कर दिया ये फोन हमारे बीच के डिस्टेंस को कम करेगा काफी कम करेगा क्योंकि इसके अंदर है बड़ा जू यो देखो सुशीला दीदी रणदीप हुड्डा के जवाब का बेसब्री से इंतजार करती हुई कोई जवाब तो आता नहीं है आपका महीनों से वन साइड लव स्टोरी चल रही है आप लोगों की थीरी तो वहां से क्या बोल रहा है अंदर आके बोलना ना कहीं पास में आ गया तो जलन के मारे कौन से पॉपकॉर्न ना जाओ आप चल निकल यहाँ से नया फोन ताऊ जी ने दिलाया है गरिमा पापा को वारिस मिल गया लगता है हाँ अब तो यो सुबह जाएगा शाम को आएगा पापा के काम में हाथ बटाएगा और पापा को भी अपने लिए टाइम मिल जाएगा क्यों हाँ और अब फोन क्या मुझे तो लगता है मोटरसाइकिल भी बुक हो गई होगी क्या क्या मतलब मतलब पापा जी ने नया फोन दिलाया है तो बदले में श्रम दान भी तो कराएंगे इसलिए थोड़े ना दिलाया है नया फोन इसीलिए तो दिलाया तुझे नया फोन तुझे ना पता पापा बड़े दूरदर्शी है गरिमा मुझे तो ना यू इन्वेस्टमेंट लग रहा है कैसे इन्वेस्टमेंट गरिमा दीदी सुन तू बकरा है पहले खिलाया जाएगा फिर पिलाया जाएगा फिर कटेगा लेकिन कटेगा जरूर हाँ भाई ताऊ जी कह रहे थे कि तीनों बच्चों के लिए फोन यू टेक इट अरे ना ना घास तो तुझे दिए तू ही खा और मैं कर मैं ना दीदी अरे सुशीला अभी तो पुत्तू भैया जाएगा सलून हाँ और अब तो सिर्फ बाल काटने की वीडियोस बनाएगा गरिमा सुशीला अरे ले तेरे कटने का टाइम आ गया चल ये फोन ले नो दीदी चल रही नो दीदी गुड चल भाई चल नो नो दीदी आई एम गुड फ्रॉम हियर मां डिस्काउंट चल रहा था तीन के पैक में दो फ्री सारे रंग के ले आया पकड़ साहब कच्चा रंग कौन देखता है अपने कच्चे तो मैं अपना आप खरीद सकता हूँ वाह भाई साहब ये लाल वाला तो बहुत ही सोना लग रहा है नहीं अरे करने को तो तू पर छत्ती पे चढ़ के गेंद भी अपने आप ला सकता था पर बड़े भाई का एक फर्ज होता है तार पे सूखते हुए कच्चे में छेद देख लिए थे मैंने अब वैसे यो फर्ज वाली बात बहुत सही कही भाई साहब आपने जैसे कल उन्होंने अपना निभाया था हैं सुई जैसा सवाल पूछ के उन लड़के वालों की सारी प्लानिंग में छेद कर दिया था माननी पड़ेगी भाई साहब आपको ये बात है ना बच गई मारी छोरियां लो आगे दपड़ दपड़ करती हुई पापा आज अगर आपका पैसे उड़ाने का मूड हो ही गया था तो मेरे स्पोर्ट्स शूज भी ले आते तीन महीने से वेट कर करके मेरी आंखें ड्राई होगी और आपने इस पुत्तू को इतना महंगा फोन दिला दिया ना 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 बेटा यो फोन भाई साहब ने ना ला के दिया है यो तो मेरे होनार पुत्तू ने कमाया है घर जो टाइम पे वीडियो नहीं बनाता ना तो तुम दोनों के साथ साथ कांटेल एंड सन्स भी खतरे में पड़ जाता चंचल पापा अब हमारे लिए कुछ ना लाए
अरे तुम दोनों को भूल के ऐसी तैसी करानी है अपनी? अरे तू अरे पुत्तू बटेर की तरह के देख रहा है, अपने नए नए वाले मोबाइल से अपने भाइयों की फोटो खींच के बताया था कितना पिक्सल है तेरा? 12 मेगापिक्सल ताऊ जी, 12। पापा आपने तो मेरे लिए कैमरा सेट कर दिया है, अब तो मैं बालों कैसे यूं यूं करके ना स्लो मोशन में दौड़ते हुए आऊंगी। पर मेरी लाइफ की दौड़ पे तो ब्रेक लगा दिया आपने, मैंने भागने वाले शूज मांगे थे पापा जी, आपने ये, इसमें तो मैं चल भी ना पाऊंगी। ए हनुमान जी मुंह फुला के कहां जा रही है? यहां आ जा। भाग दौड़ तन्ने नहीं मन्ने करनी है, बेटियां भागती ना है, पंख खोल के उड़ान भरती हैं। यो गए धर्मपाल के हाथ। रे टूट गया, रे टूट गया भाई, यो आइडिया बढ़िया है, इब धर्मपाल के हाथ तो गए। जगह सीट घुस जाएंगे। अरे कुत्ती यार उमी। हाँ मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। क्या? कि नहीं 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 भाई, अब सो ही सवाल नहीं, 10 घंटे लगा के यो एक आइडिया सोचा है, इब कोई नवा रोड़ा अटका देना ना। मैं यो सोच रहा था कि वो धर्मपाल शटर के नीचे अपना हाथ क्यों कर धरेगा। हाँ यू तो मैंने भी नहीं सोचा। इसलिए तो कहते हैं पढ़ना लिखना करना ज्यादा जरूरी है, तो तू मेरे तरह पढ़ा लिखा होता ना तो तेरे मन में ऐसे सवाल उठते। आइडिया, मैं बताऊं क्या करूंगा, धर्मपाल का हाथ ऐसे पकड़ के न्यू शटर के नीचे दे दूंगा। और जो उसने तेरा हाथ अपने साथ खींच लिया तो मन सुनना, फिर तो तू वो कहावत भी नहीं बोल पाएगा। कौन सी? हाथ कंगन को आरसी क्या भाई, फिर तो यो आइडिया फुस है। ए पुत्तू। हां ताऊ जी। वो लोड हो गए क्या? क्या? अरे वो ऐप, जरा मोबाइल दे दे। ताऊ जी नया फोन है, थोड़ा आराम से। अच्छा कब लिया? जोकिंग। rohtakshaadi.com ये ऐप मेरे एक नौजवान कस्टमर ने बनाया, इससे आसपास के सारे बढ़िया छोरों से हमारे तार जुड़ जाएंगे। शिशुपाल वो अंग्रेजी में इनका वो बायो बायोडाटा। हाँ बायोडाटा चढ़ा दे। अब अपलोड ताऊ जी। हाँ लोड लोड, अब तो मैंने दफ्तरी खोल देना है, सुबह से शाम 10-10 छोरे से मिलके छाट के इनके सामने पेश करना है, फिर देखना कैसे फटाफट होती है इनकी शादी। अरे पुत्तू इनकी एक एक बड़ी सुंदर सी फोटो खींचना, कम से कम फोटो में तो शांत सुशील दिखे मेरी छोरिया। शांत सुशील ही तो है मेरी छोरिया। अच्छा पुत्तू चाची हटो ना। सुशीला दी हो गया। हां जी भाई साहब। ना जी भाई साहब। हां जी आप कह रहे तो ठीक कह रहे हो ना भाई साहब। जी भाई साहब मैं वो कह रहा था कि 10 दिन का टाइम दे देते भाई साहब। जी भाई साहब जी राम राम की जय, मतलब कि जय राम जी की भाई साहब जी। धर्मपाल इब तेरा वक्त खत्म, बहुत हो गया खेल कूद, इब होगा एक्शन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।